बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक आलू लिया है, दो हमने अंडे लिए हैं और एक हमने लिए हैं प्याज। तो सबसे पहले हम आलू को क्रश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमने बिल्कुल कट कर लिया है। तो अभी हम प्याज को जो है बारीक बारीक सा कटिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी हमने कटिंग कर ली है। तो जो हमने पहले आलू को कच्चा किया हुआ वो उसमें हम डाल रहे हैं प्याज, ऐड करेंगे ब्रीक कटिंग किया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसमें फेंट रहे हैं दो अंडे। अल्हम्दुलिल्लाह अंडे हमने बिल्कुल फेंट लिए हैं। तो अभी हमने एक टमाटर और चार या पांच हरी मिर्च ले ली हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्च को काट लेंगे बारीक बारीक सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्च भी हमने कटिंग कर ली है। तो अभी हम कटिंग करेंगे टमाटर को। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी हमने कटिंग कर लिए हैं। तो अभी इसमें डाल रहे हैं हम डालेंगे 3 चम्मच मैदे के, लाल मिर्च हसबे ज़ायका, नमक हसबे ज़ायका, हल्दी पाउडर वो भी आप डाल सकते हैं हसबे ज़ायका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं बिल्कुल हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी ऐड कर लिए। घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें ऐड कर रहे हैं मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं अभी हम इसके साइड पलट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।